हे गाइज ऑलराइट। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं फेस कैम वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, इस कारण मैं मतलब इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम फेस कैम वीडियो शूट करें, क्योंकि इसमें कैमरा को सब कुछ सेट करना पड़ता है, लाइट को सेट करना पड़ता है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, तब हम वीडियो को शूट कर पाते हैं। और लाइफ में इतना बिजी होने के बाद मैं फिर वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड अब से आपको फेस कैम वीडियो ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड गाइज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये वीडियो में तो हम आपको सिखाएंगे कि स्नैपसीड ऐप की हेल्प से आप अपनी फोटो को इस टाइप की कैसे स्क्रीन को स्मूथ कर सकते हो एंड ऑयल पेंट वाला एडिटिंग कर सकते हो। एंड गाइज आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमने अपना हाल ही में एक मोटो व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, उस पर आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को जरूर सपोर्ट करो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइज लेट गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं, एंड गाइज हमने गैलरी के अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया है। तो सिंपली इस फोटो को अब हम शेयर करके ओपन कर लेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर, ठीक है। तो गाइज मेरे पास ये रहा स्नैपसीड ऐप, मैं इसके अंदर इस फोटो को ओपन कर लिया हूँ। स्नैपसीड ऐप के अंदर आ जाने के बाद सबसे पहले आपको इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पोर्ट्रेट चाहो तो आप फेस को स्मूथ पहले कर सकते हो, क्योंकि पोर्ट्रेट का यूज करके ही हम फेस को स्मूथ करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्यून इमेज के अंदर जाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आपको करना है। यहाँ पे आपको एक सेचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा जो कि आपको थर्ड नंबर पे मिलेगा, तो आपको सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। एंड सेचुरेशन को माइनस कर देने के बाद गाइस आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है एंड यहाँ पे ब्राइटनेस को कम कर देना है, ठीक है। इतना कर लेने के बाद आपको यहाँ से डन करना है, ठीक है। यहाँ से डन कर लेने के बाद आपको यहाँ से अंडो वाले बटन पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ व्यू एडिट्स का ऑप्शन मिलेगा, व्यू एडिट्स पे आपको क्लिक करना है, देन यहाँ ट्यून इमेज को सिलेक्ट करना है, एंड ये जो बीच वाला आपको पेंसिल का आइकॉन दिख रहा है ये एडिट ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देने के बाद गाइज अब आपको सिंपली यहाँ से इन्वर्ट कर देना है, इन्वर्ट कर देने के बाद अपनी फोटो को आपको जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको इरेज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको जीरो कर देंगे एंड जीरो करके आपको पूरे मतलब बॉडी पार्ट पे इस तरीके से चला देना है, ठीक है। मतलब ये जो हमने इफेक्ट दिया है वो सिर्फ हमारे बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ना कि हमारे क्लॉथ्स पे एंड हमारे स्किन पे, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप अच्छे से सीख भी पाएँ, ठीक है। तो हम कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। एंड गाइस जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हो कि ये इफेक्ट जो है हमने अपने स्किन से एंड हमें अपनी क्लॉथ से इरेज कर दिए हैं, ठीक है। मतलब अपने पूरे बॉडी पार्ट से इसको इरेज कर दिए हैं, एंड अभी आप देख पा रहे हो कि ये वाला इफेक्ट, मतलब ये आप देख पाओगे बिफोर एंड ये देख पाओगे आफ्टर, मतलब ये वाला इफेक्ट सिर्फ हमारे बैकग्राउंड पे है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को हमें डार्क करना था, मतलब ब्लैक करना था, इसलिए हमने ये वाला इफेक्ट का यूज़ किया, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से करते हैं डन, एंड यहाँ से अब आपको ट्यून इमेज के अंदर जाना है, एंड यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, एंड गाइज यहाँ पे हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम कर देंगे एंड शैडोज़ को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। देन यहाँ से इसको अब डन करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा बैक जाएंगे, अभी आप देख पाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो अब आपको गाइज क्या करना है, इस पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से जाना है सिलेक्टिव टूल के अंदर एंड कुछ इस तरीके से गाइज अब आपको अपनी फेस को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड सेचुरेशन को कम कर देना है, ठीक है। वैसे सेम प्रोसेस आपको पूरे मतलब स्किन पे अच्छे तरीके से अप्लाई करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा के सेचुरेशन को कम कर देना है, ठीक है। तो इतना काम हो जाने के बाद अब आपको यहाँ हेयर पे भी ऐसे ही सिलेक्शन बना लेना है, देन यहाँ पे आपको ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, ठीक है। यहाँ से स्ट्रक्चर को भी हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, तो अभी आप देख पाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर में कुछ इस टाइप की दिख रही है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ऊपर जाना है, यहाँ आपको एक हीलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सॉरी हीलिंग बोल रहे हैं, आपको यहाँ पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलेगा, पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, देन यहाँ से आपको स्मूथ टू को सिलेक्ट करके स्किन स्मूथिंग को आपको इस तरीके से बढ़ा लेना है, ठीक है। बढ़ा लेने के बाद अब आपको क्या करना है, पेंसिल वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, सिलेक्टिव टूल के अंदर जाना है एंड कुछ इस तरीके से गए जब आपको अपने फेस को सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से आपको स्ट्रक्चर को कम कर लेना है एंड यहाँ पर सेचुरेशन को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अभी आप देख पाओगे फोटो बिफोर एंड आफ्टर में कुछ इस टाइप की दिख रही है। तो इतना काम गाइज हमारा हो गया है, अब यहाँ से पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे आपको जाना है ब्रश में,
ब्रश में जाने के बाद अब आपको यहाँ सेचुरेशन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेचुरेशन सिलेक्ट करने के बाद इसकी अमाउंट आपको 10 कर लेना है एंड अपनी फोटो को जूम करना है एंड लिप्स पे कुछ इस तरीके से इसको चला देना है। इससे क्या होगा कि आपका लिप्स जो है थोड़ा रेड दिखेगा, मतलब फोटो में बहुत ही फीका फीका लग रहा था, तो अभी आप देख पाए हो कि लिप्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम इतना रहने देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड में हमने इफेक्ट दे दिया, फेस को भी स्मूथ कर लिया, हेयर को भी इफेक्ट हमने हेयर में दे दिया, लिप्स भी हमने यहाँ पे साइन कर लिया, ठीक है। तो अब सिंपली इस फोटो को आपको शेयर करके ओपन कर लेना होगा टूलविड्स ऐप के अंदर, ठीक है। इस ऐप के अंदर हम इस फोटो के अंदर ऑयल पेंट का इफेक्ट देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से टूलविड्स ऐप के अंदर इस फोटो को ओपन कर लेते हैं गाइस। तो मेरे पास टूलविड्स ऐप यहाँ पर रहा, ठीक है। तो टूलविड्स फोटो ऐप के अंदर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइज स्क्रीन को रोटेट तो नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे ये एप्लीकेशन अलाउ नहीं करता कि स्क्रीन को रोटेट कर पाए, ठीक है। तो आपको ऐसे ही देखना होगा पोर्ट्रेट में, ठीक है। तो गाइज अब आपको सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पे आपको एक इनहेंस का ऑप्शन मिलेगा, इनहेंस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एक शार्पन का ऑप्शन मिलेगा, शार्पन पर क्लिक कर देना है। शार्पन पर क्लिक कर देने के बाद गाइज अब आपको यहाँ से जनरल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जनरल सेलेक्ट करके यहाँ से अब आपको डन करना है। देन गाइज अब आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ इफेक्ट्स के अंदर। इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद आपको सॉफ्ट स्मर्ज का एक ऑप्शन है, ये वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सॉफ्ट स्मर्ज पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से 5 या 6 नंबर आपको ले लेना है, ठीक है, और या फिर 7 नंबर। तो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ। देन यहाँ पे मास्क पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ से अब आपको क्लीन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लीन कर देने के बाद अप्लाई सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आपको ऐसे ही कुछ हेयर पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो याद रहेगा इसकी जो भी हमने ये ऑयल पेंट वाला इफेक्ट दिया है, मतलब इफेक्ट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, मतलब चला रहे हैं ब्रश को, ये सिर्फ आपको अपने हेयर पे ही रखना है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि हेयर पे जैसे हमने ये चला दिया, आप देख पा रहे हो कि हेयर कितना अच्छा यहाँ पे लगने लग गया है, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल हमारी फ़ोटो में ऑयल पेंट वाला इफेक्ट जो है डल चुका है। अभी आप देख पा रहे हो कि फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है, ठीक है। तो अब इस फोटो को सेव कर लेंगे। यहाँ सेव वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ से JPG रहेगा या फिर JPG 75 रहेगा, तो आपको इसको पूरा आगे करके PNG कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ सेव का एक ऑप्शन है, सेव पे क्लिक कर देना है। इससे आपकी फ़ोटो बहुत ही हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगी। तो गाइज इस तरह की एडिटिंग करना काफ़ी सिंपल था। एंड गाइज बैकग्राउंड को ब्लर करना कैसे किया जाता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, तो वो वीडियो देख के आप इजीली सीख सकते हो कि बैकग्राउंड ब्लर कैसे करते हैं। सो ऑटोमोटिव व्लॉगिंग वाले चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।